हेलो एवरीवन, आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो सदियों से हमारी किचन का हिस्सा है। ऐसा क्या है कि जिसके बिना हमारे किचन के मसाले अधूरे हैं, हमारी सब्जियां अधूरी हैं, हमारे तड़के अधूरे हैं? तो वो है हल्दी। तो हल्दी हमारी किचन में भी यूज होती है और हल्दी हमारी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी रखती है जिससे हमें बहुत सारी बीमारियों में लड़ने की सहायता मिलती है। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो सभी इसके बारे में जानते ही होंगे, बट ये जानना बहुत जरूरी है कि प्योर हल्दी कौन सी है और सही तरीका कौन सा है हल्दी को यूज करने का। हल्दी यूज तो सभी करते हैं पर तरीका भी हमें आना चाहिए, क्योंकि जिस चीज का हमें तरीका नहीं आता और हम उसको यूज करते हैं वो कोई फायदा नहीं देती। तो हम आज यही सीखेंगे कि क्यों हमें यूज करनी चाहिए और कैसे हमें यूज करनी चाहिए ताकि हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है उसकी उनका हम फायदा उठा सकें। हमें आखिर कारण क्यों पता होने चाहिए? हमें पता है कि हमारे पास हल्दी है और दूध भी है और जो जिस चीज का आप इसको यूज कर सकते हैं वो सारी चीजें, फिर यूज कर लो, हमें कारण से करना क्या है। पर हमें कारण का पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमें कारण का पता होगा तभी हम उसको यूज करने का सही ढंग पता होगा, कहाँ पर किस टाइम पर यूज करनी है वो सब हमें पता होगा। अगर हमें ये पता होगा कि ये क्यों यूज की जाती है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये हमें पता होना चाहिए ताकि हम अच्छी मात्रा पे अच्छा फायदा उठा सकें। फर्स्ट ये कि ये एंटीबैक्टीरियल होती है और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखती है, तो जिसके कारण ये हमारे खाने को, जिस खाने में ये डली हुई है उसको भी बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करेगी। दूसरा, ये हमारे अंदर जाएगी तो हमारी बॉडी को भी प्रोटेक्ट करेगी। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये जिस खाने में डली हुई है वो खाना ही खराब नहीं होगा या फिर उस पर बैक्टीरिया ही नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट तक ये बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है इसका कलर। तो जिस चीज का हमें कलर अच्छा लगता है हमें उसका खाने को मन करता है, तो हमें इसको खाने का मन करता है तो हमारे अंदर हल्दी जाती है और हमें प्रोटेक्ट करती है। अगर उसका कलर ही अच्छा नहीं लगता हमें, हमारा मन ही नहीं करता उसको खाने का, तो हम उसको कैसे खाते। तो उसका कलर हमें अच्छा लगता है, फिर वो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस देती है। थर्ड, वो बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस रखती है जिसके चलते हम उसको खाना पसंद करते हैं। फिर वो एक अच्छा जायका देती है, हमारे जो मसाले होते हैं उसमें बहुत अच्छा एक जायका होता है तो हमें अच्छा लगता है, तो हम उसके कारण हम उसको खाना पसंद करते हैं। जब हम खाएंगे तभी तो वो हमें प्रोटेक्ट करेगी। फिर पांचवा, ये बहुत अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखती है। बहुत अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखने के कारण ही हमारे हेल्थ में भी बहुत अच्छी होती है। हमारे किचन का किंग तो है ही, और हमारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखने के कारण ये हमारे शरीर को भी बहुत अच्छा रखती है। अगला सबसे बड़ा कारण है कि ये गर्म होती है तासीर में, तो जो भी इन्फ्लामेशन होती है, स्वेलिंग हो जाती है अंदर, तो उनको ठीक करती है। तो बाहर जितनी स्वेलिंग होती है वो हमें दिख जाती है, पर जो अंदर स्वेलिंग होती है उनको देख नहीं पाते। तो हम डेली खाने में अगर हल्दी रखते हैं तो अपने आप ही उनसे उनको ठीक कर देती है जाके। अगला बड़ा कारण है कि ये बच्चों के कीड़ों को भी मारती है। तो हमें नहीं पता चलता कि हम कितने बैक्टीरिया वायरस के कांटेक्ट में आते हैं पूरे दिन में, वो ठीक है। उसके साथ ही जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनमें कीड़े हो जाते हैं, तो उन कीड़ों से प्रोटेक्ट करती है उन बच्चों को। अगर हम उनके खाने में या फिर उनकी डाइट में हल्दी रखें, खाने में मिक्स करके, ऑब्वियसली अकेली हल्दी नहीं खिलाएंगे, तो उनको ये प्रोटेक्ट करती है कीड़ों से। अगला बड़ा कारण है इसका कि ये जितने भी फीडिंग मदर हैं, जो बच्चों को फीड करवाती हैं, दूध पिलाती हैं, तो उनका जो मिल्क है वो प्योरीफाई करती हैं। बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं, बहुत सारा खाना हम ऐसा खा लेते हैं कि जो मिल्क है वो खराब हो जाता है, जिसके चलते उस बच्चे को भी बीमारियां हो जाती हैं। तो हम अगर डेली खाने में इसको रखते हैं तो ये उसको प्योर करती है और बच्चे को भी बीमार होने से बचाती है। गर्म तासीर की होने के कारण ये कफ को शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करती है, और साथ ही साथ कफ को तो निकालती ही है और साथ में हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट करती है। और साथ में ही ये हमारे अगला बड़ा कारण हो जाता है इसको यूज करने का, अगर हम इसको खाते हैं तो हमारे ब्लड को भी पतला कर देती है, तो हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको उसको
बढ़ा के ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको ख़त्म करती है, और एक्ने पिंपल्स जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं गर्ल्स को, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि एक तो ब्लड प्योरीफाई करती है, ब्लड प्योरीफाई होगा तो वैसे ही एक्ने नहीं होंगे। लेकिन अगर हम उसको फेस पे अप्लाई कर लेते हैं तो बाहर से भी जितनी भी बताया मैंने कि जैसे स्वेलिंग होती है तो जो पिंपल की जो स्वेलिंग होती है पिंपल को दबा देती है और उसके में जितना भी पस होता है उसको ख़त्म कर देती है। तो इतने सारे इसके कारण हो गए। और अगर हम इसको किसी भी जख्म पे अगर हो रहा होता है, कोई जख्म हो रहा होता है, तो हम उस पर डाल दें अगर इसको सीधा ऐसे, मतलब पेस्ट बना के नहीं, तो अगर आप सीधा भी डाल दें इसको बहुत अच्छे से, तो भी वो उस मलहम को भर देती है। तो कोई भी जानवर होते हैं हमारे आसपास, उनको वो कटे रहते हैं, उनको लगी रहती हैं, तो हम उनको कुछ नहीं कर पाते, ये सोच लेते हैं मन में कि काश मैं इसकी हेल्प करता। तो बस हमें हल्दी लेनी है और उनके जख्म पे डालनी है, एक दो दिन में उनका जख्म भर जाएगा और हमारे मन में ये भी नहीं रहेगा कि हमने उनकी हेल्प नहीं करी। तो ये इतने ज़्यादा इतने अच्छे कारण मैंने आपको बताए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं और क्या क्या हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए, किनको नहीं खानी चाहिए हल्दी, तो किन लोगों में हमें हल्दी नहीं देनी चाहिए। हमें हल्दी उनको नहीं देनी चाहिए जो उन जिनको पसीना ज़्यादा आता है, गर्मी ज़्यादा लगती है, क्योंकि हल्दी की जो तासीर है वो गर्म है, तो वो उनको ऑलरेडी गर्मी है शरीर में, तो अगर हम उनको देंगे तो कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, पिंपल्स कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसको हल्दी नहीं देनी चाहिए। सेकंड, जिसको अभी अभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है या फिर पीरियड्स हैं, तो उस टाइम पर हल्दी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये खून को पतला करती है और ब्लीडिंग हो के रुकी ही है मुश्किल से और हम उसको हल्दी दिए जा रहे हैं, तो वो ब्लीडिंग शायद फिर से हो जाए, इसलिए उसको हल्दी नहीं देनी चाहिए। और हम इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात यही आती है कि हम इसको यूज़ कैसे करना चाहिए। तो हमें देखना चाहिए कि हम हल्दी प्योर यूज़ कर रहे हैं ना, कहीं हम नकली वाली हल्दी तो नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कलर आते हैं मार्केट में जिसके जिससे रंग कर हमें कोई भी आटा दे दिया जाता है, तो हम इसको कैसे देखें कि ये प्योर हल्दी है। तो इसको देखने के लिए आप हल्दी लें, हल्दी में आप नींबू डालें, नींबू जैसे ही आप डालेंगे कुछ टाइम बाद उसका कलर चेंज होने लग जाएगा, तो वो रेड कलर की हो जाएगी, तो जो असली हल्दी है वो रेड कलर की होगी, जो नकली हल्दी है वो रेड कलर की नहीं होगी। तो इससे हम देख सकते हैं कि ये प्योर हल्दी है और हम उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो हमें उसको कैसे लेना चाहिए, तो हमें लेने के लिए हमें कच्ची हल्दी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो सीधे ही नहीं हमें डाल देना चाहिए, दूध में मिला के दे देना चाहिए, हमें उसको पहले दूध को बॉईल करना चाहिए, थोड़ा सा पानी ऐड करके हम उसको बॉईल करेंगे और वो जो वो उबल रहा होगा या फिर वो गर्म अच्छे से हो चुका होगा, उस कंडीशन में हम आधा चम्मच जो हल्दी का वो डालेंगे, तो फिर हम उसको फिर से उबालेंगे, तो ऐसे दो दिन उबाल देके। और हमें से कच्ची हल्दी को सीधा दूध में मिला के नहीं लेना चाहिए, वो कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, तो ये हो गया कि कच्ची हल्दी कच्चा वाला दूध नहीं लेना चाहिए। फिर सेकेंड, अगर हम कच्ची अगर हम चबा रहे हैं, हम किसी को कफ है बहुत ज़्यादा तो हम कच्ची दे रहे हैं, तो कच्ची दे रहे हैं तो उस टाइम पर हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, एक छोटा सा टुकड़ा ही हमें लेना है। थर्ड, ये तीन दिन से ज़्यादा एक टाइम तीन दिन से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, तीन दिन लेने के बाद आप इसको एक या फिर दो दिन छोड़ दें, गर्मी देख के कि एक दो दिन ना दें, क्योंकि ये फिर शरीर में वो काम नहीं करती जो रेगुलर काम करती है। तो दो दिन आपने दिया या फिर तीन दिन मान लीजिए आप तीन दिन ले लीजिए, तो आप तीन दिन इसको देंगे तो तीन दिन के बाद आप फिर दो दिन का गैप लेंगे, एक ही दिन का गैप ले लीजिए, एक दिन का गैप लेंगे और उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, फिर एक दिन का गैप लेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। और अगर आप मुझसे कोई भी क्वेरी चाहते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम है और किस टॉपिक पर आप मुझे सुनना चाहते हैं, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। थैंक यू।